तो भाई खुश हो जाओ क्योंकि फाइनली नो हार्ड फीलिंग्स मूवी हिंदी डब में रिलीज हो चुकी है। इस वीडियो में हम बात करने वाले कि मूवी कैसी है, आप सभी को देखना चाहिए नहीं, क्योंकि दोस्तों जो लोग फैन है जेनिफर लॉरेंस के वो तो देखने ही वाले हैं, क्योंकि कुछ इसमें भाई बहुत सारे एडल्ट सीन्स हमें देखने को मिलते हैं, न्यूड सीन्स भी है, तो दोस्तों सोच समझ कर देखना। तो मूवी कैसी है जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी दोस्तों हमें देखने को मिल रही है मैडी की, जो कि एक उबर ड्राइवर है, और भाई वो जो उसके साथ स्ट्रेंजर लोग होते हैं जो कि उसकी कार में ड्राइव करते हैं उनके साथ ही भाई शुरू हो जाते हैं, समझ रहे हो, मतलब ज़्यादा ओपन क्या ही बोलना। आगे दोस्तों हमें कहानी में देखने को मिलता है कि 90 ईयर ओल्ड का लड़का है जो कि भाई पर्सी है, और वो थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का है, मतलब उनके माँ बाप ने इस तरीके से उसकी परवरिश दी कि थोड़ा इंट्रोवर्ट है, बातचीत करने में भी थोड़ा घबराता है और थोड़ा ज़्यादा ही डरता है। तो उन्हीं ने ही दोस्तों मेरे हिसाब से कॉमेडी का एक जो फैक्टर है वो यही कैरेक्टर की वजह से जनरेट हुआ है, तो वो आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। आगे स्टोरी में देखने को मिलता है कि किस प्रकार से मैडी पर्सी के साथ में डेट करना चाहती है, तो उसे फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है, तो वो क्या कुछ करती है उसे जानने के लिए तो आपको मूवी देखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों बात आती है मूवी को देखना चाहिए या नहीं, तो हाँ दोस्तों 18 प्लस ऑडियंस इसे ज़रूर देखने वाली है, खासकर जेनिफर लॉरेंस के फैन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप सभी को बताया इसमें बहुत सारे सीन्स आपको देखने को मिलते हैं। तो हाँ आगे दोस्तों कहानी में देखने को मिला है कि क्या कुछ चीज़ें होती है भाई, आपको कुछ ना कुछ दोस्तों अलग ही देखने को मिलेगा, विचित्र जैसा। दोस्तों इसके डायरेक्टर ने काफ़ी अलग तरीके की डायरेक्टिंग की है, पता नहीं क्या आपको देखने से अलग ही फील होता है मूवी में। दोस्तों मुझे कॉमेडी के पार्ट्स अच्छे लगे, जहाँ पर आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई आप ज़बरदस्ती हंसना चाह रहे हो, जो सारी एक्शन दोस्तों स्क्रीन में होती है आपको फील कराती है। ओवरऑल दोस्तों मैं इसे टाइम पास टाइप की मूवी बोलूँगा, जो कि भाई एडल्ट ऑडियंस के लिए ही बनी है ऑब्वियसली, और इसकी हिंदी डबिंग की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सुपर्ब लगी मुझे। थिएटर में ये मूवी हिंदी डब में शायद रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन भाई मैंने आप सबको बताया था कि OTT पर चांसेस है हिंदी डब में आए, तो भाई आ चुकी है। यही है भाई मेरा रिव्यू, क्या सोचते हो इस मूवी के बारे में, सारी चीज़ें कमेंट में बता दो, वीडियो पसंद आएंगी लाइक कर दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।